हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 224/23 गाजीपुर सिटी आनंद विहार टर्मिनल सुहेलदेव एक्सप्रेस के बारे में, जो कि वाया प्रयागराज के रास्ते चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए, अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी आपके पास पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी फेवरेट ट्रेन का वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। यह ट्रेन गाजीपुर सिटी उत्तर प्रदेश से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली तक चलती है। इस ट्रेन में LHB रेक यूज़ किया जाता है। इस ट्रेन को नॉर्दर्न रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये सुपरफास्ट टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का गाजीपुर सिटी से आनंद विहार टर्मिनल तक जो दूरी है वो है 834 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का गाजीपुर सिटी से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने में टाइम लगता है 15 आवर 15 मिनट्स का। रास्ते में इस ट्रेन का 8 स्टेशन पर हॉल्ट है और इस ट्रेन में ई कैरिंग का सुविधा भी मौजूद है। तो चलिए आप इस ट्रेन के कोच पोजिशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में एक फास्ट एसी कम टू टायर एसी, एक सेकेंड AC, 3 थर्ड AC, 7 स्लीपर क्लास और 6 सेकेंड क्लास को शामिल है। और इस ट्रेन का गाजीपुर सिटी से आनंद विहार टर्मिनल तक जाने में जो कॉस्ट है वो है फर्स्ट एसी का 2875 रुपीज़, सेकेंड एसी का है 1710 रुपीज़ और थर्ड एसी का है 1210 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 460 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। और सेकेंड क्लास का कॉस्ट है 255 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सिटी से हफ्ते में 2 दिन ट्यूजडे और सैटरडे को शाम के 4 बजे 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह ओंडीहाट जंक्शन, यहाँ पर ये 4:40 पर आता है और 4:42 पर चलता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद धोबी, यहाँ पर ये 5 बजे आता है और 5:02 पर चलता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद जौनपुर जंक्शन, यहाँ पर ये 5:50 पर आता है और 5:55 पर चलता है। इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद जफराबाद जंक्शन, यहाँ पर ये शाम के 6:05 पर आता है और 6:10 पर चलता है। इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद जंगाई जंक्शन, यहाँ पर ये शाम के 7:50 पर आता है और 7:55 पर चलता है। इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद प्रयागराज जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 9:35 पर आता है और 9:40 पर चलता है। इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद कानपुर सेंट्रल, यहाँ पर ये रात के 12:50 पर आता है और 12:55 पर चलता है। इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट स्टॉपेज वो है गाजियाबाद जंक्शन, यहाँ पर ये सुबह के 6:40 पर आता है और 6:42 पर चलता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इस ट्रेन का डेस्टिनेशन वह है दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल, यहाँ पर ये सुबह के 7:15 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है और 834 किलोमीटर का जो डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।